एसपी शगुन गौतम ने शहर के मुख्य चौराहों पर पैदल गश्त के साथ वाहनों एवं संदिग्ध लोगों की चेकिंग भी की। पुलिस अधीक्षक शगुन गौतम ने पुलिस बल के साथ शहर क्षेत्र में दौरा किया और मुख्य चौराहों और थाना सिविल लाइन क्षेत्र के भीड़भाड़ वाली जगहों, स्टार चौराहा, शाहबाद गेट आदि स्थानों पर पैदल मार्च किया गया तथा संदिग्ध लोगों और संदिग्ध वाहनों की भी सघन चेकिंग की गई। कोविड-19 की रोकथाम हेतु मास्क न लगाने वाले व्यक्तियों से जुर्माना वसूला गया तथा लोगों को सोशल डिस्टेंस को लेकर जागरूक किया गया और लोगों को मास्क भी वितरित किए गए। पुलिस अधीक्षक शगुन गौतम ने कहा, रेगुलर चेकिंग की जा रही है और पैदल गश्त भी की जा रही है ताकि जनता में डर खौफ न रहे। मास्क भी बांटे जा रहे हैं और दो पहिया और चार पहिया वाहनों में नई उम्र के जो लड़के हैं उनको चेक किया जा रहा है ताकि किसी वारदात को अंजाम देने ना जा रहे हों। रेगुलर पूरे जिले में और देहातों में भी चेकिंग कराई जा रही है। शाम के टाइम पे पिछले 5 दिनों के बीच में पैदल गश्त और व्हीकल चेकिंग एक साथ की जाती है ताकि जनता में एक सिक्योरिटी की भावना रहे और जनता की समस्या समझ सकें। साथ में जो मास्क का अभियान है कि सबको मास्क पहनाना है, ट्रैफिक के नियम पालन कराना है, डेंजरस ड्राइविंग ना हो, क्राइम के एंगल से टू व्हीलर पे जो नई उम्र के लड़के हैं, फोर व्हीलर में नई उम्र के लड़के हैं किसी वारदात को अंजाम देने ना जा रहे हो, तो इस सबको प्रिवेंट करने के लिए कंबाइंड एफर्ट के लिए चेकिंग की जाती है। ये रेगुलर हो रही है, जगह बदल बदल के पूरे जनपद में कराई जाती है, देहात में भी कराई जाती है। इसी के इश्यू कराने के लिए स्टैंड है।